मेरी माज बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं और इसमें इस फंक्शन में आपका आशीर्वाद चाहिए। केजरीवाल, केजरीवाल को जैसे आशीर्वाद सिर्फ मीडिया ने आशीर्वाद दिया इसलिए केजरीवाल बना है, और अब मीडिया आशीर्वाद देगा तो सुनील पाल भी बनेगा। केजरीवाल को मीडिया नहीं, केजरीवाल मीडिया का बेटा है। मैं कहता हूँ कि केजरीवाल जो है वो जानता है कि महंगाई की गाज कहाँ गिर रही है, महंगाई की गाज कहाँ गिर रही है मैं जानता हूँ, महंगाई की गाज कहाँ गिर रही है मैं जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं? बिकॉज आई एम फ्रॉम गाजियाबाद तो मुझे पता है गाज कहाँ गिर रही है। जांच की जाए सबकी, खुद की कब करेगा। तो केजरीवाल और बहन भाई मित्रा, जिस प्रकार से बालक के लिए माँ की गोदी जरूरी है, उसी प्रकार से बहनों भाइयों प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। ये भी है और हमारे सही ज्यादे और गलत कम वो भी है। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया कांग्रेस को, तो यही तो पूछ रहे क्या नहीं दिया। तो बहुत सारी बातें आपको इस डीवीडी में देखने मिलेगी जो एकदम कंप्लीटली पॉलिटिकल सटायर है, जिसमें केजरीवाल जी भी है, मोदी जी भी है, राहुल जी भी है और साथ में उनके गुरु अन्ना हजारे जी भी है। क्योंकि केजरीवाल कहीं से भी चुन के आएगा साउथ से नहीं चुन के आएगा, क्योंकि उधर सब अन्ना है। मैं अन्ना, उधर अन्ना हजार हो। केजरीवाल को मेरे को लगता है गन्ना मिलेगा। हाँ, दैट इज ट्रू, क्योंकि केजरीवाल ने जिस पार्टी में को जिस दल को बनाया वो दलदल है और थोड़ी देर में पैदल आया। तो केजरीवाल तेरे को जाना पड़ेगा चाइना वॉल। लगा कि केजरीवाल को सुनील पाल बनाया। सुनील पाल को केजरीवाल बनाया। सॉरी, देखो क्या बीवी के सामने फंबल हो जाता हूँ। इसलिए तो मैं आया हूँ, डंबल बन गया। बीवी के सामने अच्छे अच्छे हम्बल और फंबल हो जाते हैं क्योंकि बीवी चंबल की लगती है। हमारे प्रोड्यूसर साहिबा है, मेरी वाइफ है, बेटर हाफ है। वो जोक सुनाओ, क्या था जो बेटर हाफ? ये भी कुछ सुनील जी, सुनील जी अक्सर कॉमेडी करते हैं तो मैंने सोचा कुछ कॉमेडी मैं भी इनको सुनाऊं। इन्होंने मुझे किसी से इंट्रोड्यूस किया तो कहने लगे मिलिए मेरी बेटर हाफ से, तो मैंने कहा ये तो मान गए कि आपसे बेटर हूँ। फिर मैंने कहा अब हाफ और हूँ, तो वैसे ही मैं देड़ हूँ, तो देड़ शानों से पंगा क्यों। इसलिए मैं घर पर हमेशा अनशन करता हूँ, क्योंकि इनके हाथ का खाना खाने से अच्छा है अनशन। एक बार जोरदार तालियां। अब जिसमें बात सुनील भाई कर रहे थे अशोक मिश्रा से, और बहुत एक धुरंधर कॉमेडियन एमसी, इन्होंने मतलब देश विदेश में लाखों। मेरी एंट्री उस वक्त ही होती है कभी अगर उनका दीदार हो जाए, आपको जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर जी ने कपिल बाजी को फोन किया जस्ट अभी इस वक्त इसी रोड से, इनको मिलते हुए एक घंटे साथ में थी, इनके बर्थडे गिफ्ट देने घर पे आई थी, इन्हें बाय करके इसी रोड से गुजरे हैं। सुबह गाता है सारे अचीवमेंट जो है आपको सलाम करता है पूरा हिंदुस्तान। मेरा तो फिर भी 2 तारीख को आता है 2 अप्रैल को, तो तनख्वाह नहीं नहीं मिलती थी डैडी को, तो होते भी थे कभी कभी, मना भी लेते थे। मेरे भाई का तो कोई मना ही नहीं था, उसका मतलब बर्थडे आना मतलब थप्पड़ कैसे पूछना पापा बर्थडे मनाना था, बड़ा 500 रुपये के दादा जुट भाई मेरे। ये इसलिए मेरा बर्थडे स्पेशल हो गया बिकॉज कल हम लोगों ने बच्चन साहब के साथ शूट किया, मेरा बर्थडे था, तो उस दिन मैंने अपने ट्विटर पर भी लिखा था कि फर्स्ट टाइम आई डोंट माइंड वर्किंग ऑन माय बर्थडे बिकॉज। उसके बाद सरप्राइज बच्चन साहब ने केक मंगवाया, ये मेरे लिए मतलब सपने जैसा था, कल सपने में जी रहा हूँ कल से। और आज लता जी का फोन आया कि मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया है, और मतलब लता जी को हम लोग माँ सरस्वती का दर्जा दिया गया है, उनको हिंदुस्तान में इतना उनको माना जाता है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन था। और आज सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, आज सुनील भाई से भी मुलाकात हुई और हम लोग काफ़ी, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी लाफ्टर चैलेंज से तो सुनील भाई विनर थे उसमें, लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट में, फिर ये क्रम चलता गया, मतलब वो कैसे किस तरीके का प्रोग्राम आया था, सबकी खाली हो जाती थी, और इनको देख देख के मैं हमेशा सुनील भाई की बात बोलता हूँ। ये बीच में रहता है। अच्छा,
जोरदार तालियां कपिल जी अपने शुभ हाथों से, इसका पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। अच्छा लगे तो जोरदार तालियां बजाइएगा। मिश्रा जी छाए हुए। अब आप पोस्टर के बारे में और इसके माहौल के बारे में और अपने जो प्रोमो देखे थोड़े से दो शब्द कहें। मैंने पहले कहा कि अगर आप एक देश के नागरिक हैं और उस देश में जो कुछ भी हो रहा है हालातों के ऊपर अगर आप टिप्पणी करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि किसी को कुछ हर्ट ना हो, और ये अच्छी बात है और ये अच्छा एफर्ट है सुनील गांधी का, बिकॉज ये हमेशा करते रहते हैं। ये ऑफिशियली तो उन्होंने यहाँ पे किया, लेकिन अदरवाइज आप सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी देखें तो इनके जो है कटाक्ष चलते रहते हैं, होने भी चाहिए बिकॉज और बिना किसी का दिल दुखाए ये जिस तरीके से कहना होता है बहुत बड़ी कला होती है, तो ये भगवान हर किसी को नहीं देता है और भगवान ने सुनील पॉल जी को ये कला दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस व्यंग को बहुत अप्रिशिएट करेंगे और इसको सिर्फ व्यंग के तौर पे ही लेंगे, फालतू में धरने नहीं देंगे कि नहीं ये क्या है, बड़ा होता है सर ये सर। सो मेरी बेस्ट विशेस हैं सुनील भाई के लिए हमेशा।